नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा कल एक बार फिर से प्रेस से रूबरू होंगे। देखिए, उपेंद्र कुशवाहा कल बड़ा ऐलान कुछ कर सकते हैं, उपेंद्र कुशवाहा कुछ बड़े खुलासे कर सकते हैं। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं, ऐलान शब्द का इस्तेमाल हमने इसलिए कहा किया क्योंकि अब दबाव बढ़ने लगा है। जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने तो आज ये तक कह दिया कि अब वो इस्तीफा क्यों नहीं दे देते हैं। देखिए, पार्टी के अंदर काफ़ी ज़्यादा हलचलें तेज हो चुकी हैं। हम बात कर रहे हैं जनता दल यूनाइटेड की, यानी कि नीतीश कुमार की पार्टी की, और नीतीश कुमार की पार्टी कितनी मजबूत हो रही है, कितनी कमज़ोर हो रही है, ये तो आप खूब जानते होंगे। जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने साफ साफ कहा कि पार्टी हमारी कमज़ोर हो रही है। वहीं नीतीश कुमार, बिहार के मुख्यमंत्री, उन्हें साफ साफ कहा कि पार्टी हमारी कितनी मजबूत हो रही है, सस्ता अभियान कितनी तेज़ी से चलाया जा रहा है। अब ऐसे में कल दोपहर 12 बजे उपेंद्र कुशवाहा पटना स्थित अपने सरकारी आवास पर एक बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कैसे लगाए जा रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा खुलासे किए जाएंगे, बड़े बड़े खुलासे हो सकते हैं। देखिए, पिछली बार जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर उन्होंने बड़ी टिप्पणी करी थी। ये तक कहा था कि मैं क्यों चला जाऊं, पार्टी के लिए मैंने भी बहुत कुछ किया है, पार्टी मजबूत हो ये मैं भी चाहता हूं, और मैंने कोई ऐसी पार्टी विरोधी कार्य किए भी नहीं है। उपेंद्र कुशवाहा ने तो यहां तक कह दिया था कि नीतीश कुमार के पास भी संतान है और मेरे पास भी संतान है, मैं तो अपने संतान के सर पर हाथ रख के कसम खाने को तैयार हूं। क्या नीतीश कुमार भी सर पर हाथ रख के कसम खाएंगे? बुलावा उन्होंने मुझे भेजा था 2020 में, जब चुनाव में जेडीयू 43 सीटों पर सिमट गई थी। उसके बाद बुलावा एक अन्य मार्ग से आया था, नीतीश कुमार ने खुद फोन किया था और उस फोन की डिटेल्स भी निकाले जा सकते हैं। क्या नीतीश कुमार के सरकारी आवास से, कहने मार्ग से फोन आया था या नहीं आया था? उपेंद्र कुशवाहा इन तमाम बातों का जिक्र पिछले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर चुके हैं, और कल एक बार फिर से दोपहर 12 बजे उपेंद्र कुशवाहा क्या कुछ बड़े खुलासे करेंगे, क्योंकि पिछली बार उन्होंने कहा था कि नीतीश कुमार जिन लोगों से घिरे रहते हैं, जिन 6-7 लोगों से घिरे रहते हैं, वो उन्हें बर्बाद कर देंगे। अब ऐसे में वे 6-7 लोग कौन हैं, क्या नीतीश कुमार को सलाह दी जा रही है कि उनकी वो बर्बादी का कारण हो जाएगा? जेडीयू के भीतर भी कह सके तो नूरा कुश्ती का खेल जो है जारी है। अब जितने समर्थक जो उपेंद्र कुशवाहा के पक्ष में कल तक थे, अब उन्होंने भी पाला बदल लिया है, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा लंबे समय तक जेडीयू में रहेंगे या नहीं कह नहीं सकते हैं। ये कयास लगाए जा रहे थे कि उपेंद्र कुशवाहा बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा बीजेपी में शामिल होने के सवालों पर सीधा इनकार कर रहे हैं। कल दोपहर 12 बजे वो क्या खुलासा करेंगे, क्या ऐसी बड़ी बात कह देंगे, कौन कौन सी छुपी हुई बातें बताएंगे, क्या कोई डील हुई थी उस पर भी वो अपनी बात को रखेंगे, क्योंकि उन्होंने नीतीश कुमार से भी पूछा है कि कौन कौन सी डील हुई थी, क्या ऐसी डील हुई थी जो नीतीश कुमार हो या ललन सिंह हो, जो कि जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो खुलकर बता नहीं रहे हैं। अब ऐसे में कयासों का बाजार गर्म है, संशय बरकरार है। कल दोपहर उपेंद्र कुशवाहा जब प्रेस से मुखातिब होंगे, क्या कुछ कहेंगे, उन तमाम बातों से हम आपको अवगत कराएंगे। लेकिन अब उपेंद्र कुशवाहा ने सीधी कह सके तो रार जो छेड़ दी है जेडीयू के अंदर, क्या दरार पड़ती जा रही है और ये दरार भरने में नीतीश कुमार कब तक कामयाब होंगे? नीतीश कुमार तो बार बार कह रहे हैं हम उनके सवालों पर कुछ नहीं कहेंगे, कोई टिक्का टिप्पणी करेंगे, हमारे पार्टी के लोग भी कुछ नहीं कहेंगे। यानी कि नीतीश कुमार एक तरफ जहां अपनी जेडीयू को बचाने में लगे हुए हैं, वहीं उपेंद्र कुशवाहा भी चाह रहे हैं कि जेडीयू मजबूत हो, जेडीयू कमज़ोर हो रही है, हकीकत बता रहे हैं। देखना यह है कल क्या कुछ खुलासे करते हैं उपेंद्र कुशवाहा। आज बक्सर में भी उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि उपेंद्र कुशवाहा कोई खेत की मूली नहीं है जिसे उखाड़ कर कोई फेंक दे। तो उपेंद्र कुशवाहा के जो तेवर हैं वो काफ़ी गर्म हैं। कल देखना होगा उपेंद्र कुशवाहा क्या कुछ कहते हैं, क्या कुछ बड़ा खुलासा कुछ करते हैं नहीं, कौन कौन सी बातें होती हैं, कौन कौन से प्रश्न पूछे जाते हैं नीतीश कुमार से, देखना होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।